हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी पी बहू नॉर्थ ऑल आप सोच रही होगी कि कितने सारे लोग हैं गाड़ी पे तो गाइस गाड़ी में हवा कम थी तो हवा भर रही थी हम लोग और चली कहाँ पर लखनऊ चंद्रिका देवी टेंपल तो गाइस यू डोंट बिलीव कि मैं ये पहली बार जा रही हूँ तो बहुत खुश हूँ वहाँ जा कर भी मैं दिखाऊँगी आपको क्या क्या होता है क्योंकि मैं भी पहली बार जा रही हूँ है ना और देखो रास्ता है ये चंट्रिका देवी माँ की काफ़ी अच्छा है तो अब धीरे धीरे पहुंच रही हूँ हम लोग यहाँ पे देखो कितने सारे जैसे मेला नहीं लगती है ऐसे ही है मंदिर के सामने सब लगी हुई है अलग अलग तरीके की चीज़ें सब मिलते हैं यहाँ पे प्रसाद से लेके सब कुछ तो यहाँ हम लोग गाड़ी पार्क करेंगे यहाँ आ गए हम लोग गाड़ी पार्क करने के लिए तो गाय जैसे कि आपने देखा है यहाँ अलग अलग तरीके के स्टॉल लगा हुआ है यहाँ प्रसाद लगा है अलग अलग तरीके की सिंदूर है इसमें और बिंदी चूड़ी जो भी माता रानी को चढ़ाने के लिए यहाँ पे तो भैया कह रहे थे कि ये इसका है ये चढ़ा दीजिएगा और बस हम लोग लेकर आ गए और ये देखो चलो गाइस सब लोग को दिखाते हैं धीरे धीरे करके है ना क्या क्या मिलते हैं हम भी खुद आइडिया नहीं है कि क्या क्या आगे जाके क्या मिलेंगे तो हम लोग आगे जा रहे हूँ ये मोसी समर हम आगे हैं और मेरे ननन मतलब क्या कहती है वीडियो को ले रहे हैं हमने कहा जो भी लेना है ले लेना अच्छी तरीके से ताकि आप लोग को दिखा सके है कि नहीं चलो वाकई में बहुत अच्छा लगा और मंदिर के सामने ऐसे लगते हैं ना मेले जैसे तो उसका अलग ही मतलब मज़ा आ गया है ना मंदिर में दर्शन भी करो और मन चाहे चीज़ें ले लो वो भी बहुत सस्ता है है कि नहीं चलो खैर आज का दिन तो ना वेदर भी इतना अच्छा है मतलब खुश हो गया तो ये है मेरी मामी है ना और ये आज हमारे घर पे आई हुई थी तो हम लोग मंदिर के लिए निकली पहली बार आप लोग भी दर्शन कर लीजिए तो गाइस हम लोग ने दर्शन कर लिया और यहाँ पे जो भगवान का चुनरी नहीं होता है उसको बांधना होता है तो गाइस यहाँ पे मौसी समझा रही थी बेटा ये चढ़ाओ ये चढ़ाओ आइडिया तो है ही नहीं मुझे तो गाइस जो भगवान के चुनरी नहीं होता है उसको बांधना होता है पीपल का पेड़ है शायद है ना तो वहीं पर भगवान का सब चढ़ाना होता है तो माता रानी की जो मैंने लिया है क्या कहती है उसको सिंदूर से लेके जो लिया है है ना प्रसाद के तौर में तो उसको बांध के फिर उधर से वापस हमको थोड़ा बहुत चूड़ी है आ, मतलब वो लेकर आना होता है है ना तो हमने किया है सब चलो हमने भी बांध लिया तो गाइस यहाँ पे मौसी ने बांध लिया और यहाँ मामी फिर आ गए तो गाइस ये है मंदिर के पूरे नज़ारे आपको दिखाती हूँ अभी है ना ये माता रानी का मंदिर के सामने है सारे लोग भीजी है कि दर्शन कर पाए है ना काफ़ी बड़ा है मज़ा आ गया नहीं में आप लोग भी दर्शन करने आइएगा हम तो फर्स्ट टाइम में और ही मज़ा आ रहे हैं चीज़ें को एक्सप्लोर करने के मिल रहे हैं मंदिर में अच्छा है काफ़ी अब जो है हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं वहाँ पे शिव जी के मंदिर है तो वहाँ पे दर्शन करने पर टाइम भी बहुत कम है क्योंकि एक बच्चे क्या कहती है उसको बंद होता है दर्शन करने के लिए ना गेट बंद हो जाता है तो एक बजने वाले हैं तो हम लोग जल्दी जल्दी एक बार दर्शन करने के लिए कर रहे पर यहाँ पे आके दर्शन नहीं हो पाए अंदर जा नहीं पाए जो गए वो लोग वापस आ रहे हैं और हम लोग जा ही नहीं पा रहे क्योंकि ऑलरेडी एक बज चुके थे तो इसी वजह से जा नहीं पाए पर दूर से हमने दर्शन किया यहाँ पापा है समट है वो लोग भी देख रहे हैं क्या क्या है और बोटिंग का सिस्टम भी है देखो देख रहे हैं ना आप लोग पानी कितने अच्छे कुछ है कुछ लोग नहा भी रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे देखो कितने मज़े से तो गाय हम लोग वापस जा रहे हैं गाय हम लोग पहुँच गए हैं राधेलाल परंपरा स्वीट्स ये अलीगंज में फेमस है स्वीट्स की दुकान है तो गाय आप लोग ना यहाँ से स्वीट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं कभी मंदिर में चढ़ाना हो है ना इस पर्पर से सब लोग बिजी है फ़ोटो खिंचाने में गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना लव यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग